हेलो दोस्तों, एसके टेक एंड ऑटोमोबाइल चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगस्त 2019 के बाद किया सेल्टॉस मिड साइज एसयूवी के सेगमेंट में नंबर वन पर बनी हुई थी सेल्स के मामले में। कारण उसका कहीं ना कहीं क्रेटा ही था, क्योंकि क्रेटा में उतने ज़्यादा अपडेटेड लुक्स नहीं थे, नहीं उतने ज़्यादा फीचर्स थे जो कि किया सेल्टॉस प्रोवाइड करने लग गई थी उतने रेंज में। तो लोग कहीं ना कहीं किया सेल्टॉस की तरफ मूव करने लग गए थे, और BS6 नॉर्म ने भी बड़ा योगदान दिया है किया सेल्टॉस की सेल्स में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रेटा 2020 के कुछ 10 ऐसे अमेजिंग फीचर्स के बारे में जो किया सेल्टॉस के GTX प्लस वेरिएंट, जो कि उसका टॉप वेरिएंट है, उसमें भी नहीं आता। तो दोस्तों, बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले फीचर के बारे में बात कर लें तो वो है स्मार्ट पैनोरामिक सनरूफ, जो कि किया सेल्टॉस में नहीं आता। किया सेल्टॉस में सिर्फ आपको नॉर्मल सनरूफ आता है, पर क्रेटा में आपको वॉइस कंट्रोल्ड सनरूफ मिलती है। जैसे कि आप बोलेंगे क्रेटा में, हे ब्लूलिंक ओपन द सनरूफ, तो आपकी सनरूफ खुल जाएगी। तो दोस्तों, दूसरी फीचर के बारे में बात करें तो वो है इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड फीचर। ये किया सेल्टॉस में अवेलेबल नहीं है। किया सेल्टॉस में आपको फिजिकल ब्रेक मिलते हैं, पर क्रेटा में आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड मिलता है। तो अगर आप ट्रैफिक में खड़े हैं और ऑटो होल्ड पर अपनी कार को डाल देते हैं, तो आपका जो फीट है वो ब्रेक पर रखने की ज़रूरत नहीं है, जो कि एक काफ़ी यूजफुल फीचर है अगर आप ऑटोमेटिक कार ड्राइव करते हैं तो। तो दोस्तों, जो तीसरा फीचर है वो है ट्विन टिप एग्जॉस्ट, जो कि किया सेल्टॉस में नहीं आता, पर क्रेटा के टर्बो वेरिएंट में आपको डुअल एग्जॉस्ट देखने को मिलता है पीछे की साइड। ये एक विजुअल फीचर है, कोई काम नहीं करता परफॉर्मेंस को बढ़ाने में, लेकिन अगर आपको लुक्स वाइज देखते हैं तो यह एक स्पोर्टी लुक देता है क्रेटा को किया सेल्टॉस के मुकाबले। तो फोर्थ फीचर की बात करें तो वो है पैडल शिफ्टर्स, जो कि किया सेल्टॉस के टॉप मॉडल में भी आपको नहीं मिलता, पर अगर आप क्रेटा का DCT वेरिएंट 1.4 लीटर टर्बो चार्ज्ड इंजन लेते हैं तो उसमें आपको पैडल शिफ्टर्स देखने को मिलता है, जो कि आपके ड्राइविंग को कंफर्टेबल बनाने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, फिफ्थ फीचर की बात करें तो वो है मैनुअल ट्रांसमिशन रिमोट इंजन स्टार्ट स्टॉप। तो आप कहेंगे कि यह फीचर किया सेल्टॉस में भी अवेलेबल है, जो कि यूवो के नाम से आता है, और हुंडई क्रेटा में यह ब्लूलिंक के नाम से आता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि किया सेल्टॉस में यह फीचर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ही अवेलेबल है, जिससे आप अपने कार को घर बैठे ही स्टार्ट कर सकते हैं, एसी चला सकते हैं। पर क्रेटा में यह फीचर आपको मैनुअल ट्रांसमिशन वाले वेरिएंट में भी मिलता है। तो सिक्स्थ फीचर की बात करें तो वो है एडिशनल वॉइस कमांड्स, जो कि मिलते हैं क्रेटा में। वैसे तो यह किया सेल्टॉस में भी देखने को मिल जाते हैं, पर क्रेटा में आपको यह ज़्यादा फीचर अवेलेबल कराते हैं। जैसे कि अगर आप बोलेंगे हेलो ब्लूलिंक ओपन द सनरूफ, तो आपकी सनरूफ खुल जाएगी। अगर आप क्रिकेट स्कोर का कमांड देते हैं तो आपको लाइव क्रिकेट स्कोर भी बताएगी, जो कि ऐसे फीचर आपको किया सेल्टॉस में नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों, सेवेंथ फीचर की बात करें तो वो है पडल लैंप्स। पडल लैंप्स आपको ORVMs के नीचे देखने को मिलते हैं, जिसे जब रात को आप अपनी कार से उतरेंगे तो आपको एक लाइट दिखेगी पूरी एक सर्कुलर फॉर्म में, जहां पर आपको पता चल जाएगा कि आप कहीं कीचड़ या गड्ढे वगैरह में आपका पैर ना चला जाए, जो कि एक बढ़िया फीचर है जो कि किया सेल्टॉस में देखने को नहीं मिलता। तो दोस्तों, एट फीचर की बात करें तो वो है रियर हेडरेस्ट कुशन, जो कि आपको मिलते हैं क्रेटा के SX वेरिएंट से ही, जो कि किया सेल्टॉस में अवेलेबल नहीं है। ये कोई एसेसरी का पार्ट नहीं है, ये बस आपको एक कंफर्ट को बढ़ाने के लिए हुंडई ने अपने क्रेटा 2020 में ऑफर किया है। तो नाइन्थ फीचर की बात करें तो वो है वन टच क्रूज कंट्रोल। दोनों किया सेल्टॉस और क्रेटा में आपको क्रूज कंट्रोल देखने को मिलते हैं, पर क्रेटा में आपको वन टच मिलता है। इसका मतलब जैसे ही आपने क्रूज कंट्रोल दबाया तो आपका क्रूज कंट्रोल तुरंत ही इनेबल हो जाता है, चाहे आप किसी भी स्पीड पर चल रहे हों, जो कि किया सेल्टॉस में वन टच नहीं है, उसमें आपको मैनुअली स्पीड सेट करना पड़ता है। तो टेंथ फीचर की बात करें जो कि किया सेल्टॉस में नहीं है पर क्रेटा में है, वो है टच एयर प्यूरीफायर, जो आप टच करके उसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं क्रेटा में, पर किया सेल्टॉस में यह टच इनेबल्ड नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, हम 1000 सब्सक्राइबर के काफ़ी करीब है, तो कृपया जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड।